बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना वगैरह हमने खा लिया, अभी बेगम साहिबा की इज्जत थी कि मैंने जूस पीना है, तो बेगम साहिबा ने आज खुद ही जूस बना रही है और अभी देखो हमें भी कुछ देती है या सब जो जूस तो लगी है ना, तो कहती मैं जूस पीना, तो मैं चलो पी लिया तो नाल सानू भी दे दें कोई अगर बच गया तो। जूस पी पी के मामा थोड़ी दिखा दी मैं जूस पीना आंदी उन्हें मैं नींद ही नहीं आती। ये कहती मैं जूस पियाँ तो मैं नींद आती है। कबीर मैम आ जाओ बेटा जूस पी लो, आ जाओ थोड़ा थोड़ा पी लो, आ जाओ बेटे सारे बच्चे आ जाओ, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे ने सारे आ जाओ। कबीर रोटी वाली छाबी चुक ना, अपना पाक फ्रिज रख ला ठहर के पी लियो फिर और फुल करा ला ना। ਵਿਚ ਖਜੂਰਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੇਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੜ ਪਾਉਂਗੀ। ਆਹ ਵਿਚ ਐਪਲ ਵੀ ਮੈਂਗੋ ਵੀ ਪੀ ਲੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੀ ਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪੀ ਲੋ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दाने साफ़ हो चुके हैं, सारी साफ सफाई भी कर ली है, ये अभी उठा के लेके जाने नीचे, तो बाकी साफ सफाई भी इधर से भी कर लिया और ये कूड़े की ढेरी लगी जो बाद में उठाती हूँ और लेके चलते हैं अभी इसे दानों के नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी
दोपहर का टाइम हो चुका है लंच का, लेकिन काफ़ी लेट हो गई क्योंकि दाने काफ़ी साफ करने वाले थे, गंदम हमारी ख़राब हो चुकी थी, सूखी वगैरह लग गई थी और इसलिए वो दो तीन दिन से धूप में डाली हुई थी। आज वो सारा पंखा लगा के ना साफ़ सुथरी करते करते काफ़ी देर हो गई। फिर ये आटे वाली मट्टी है ये बाहर निकाली, इसमें जो आटा था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, वो बाहर निकाल के जानवरों के लिए दिया है हम सामों को। तो अभी मैंने कहा सालन बच्चे कहते हैं सालन के बगैर खाना नहीं खाना, तो इसलिए ये प्याज काटे हैं, साथ में तीन अंडे लिए हैं। ये अंडा प्याज वो शौक से भी खा लेते हैं, तो इसलिए दोपहर के खाने अगर सालन ना हो तो खाना भी नहीं खाया जाता। सीधी तरह से कुछ अचार ले लेंगे साथ में। तो अभी ये प्याज़ों की अच्छी तरह बनाई करती हूँ और इसमें अंडा प्याज जल्दी जल्दी फटोफट बना के रोटियाँ बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये चूल्हे में आग जलाई है, लेकिन सुबह टाइम भी जलाई थी तो दो घंटे लग गए आग जलाते जलाते। तो अभी भी पता नहीं क्या मसला है, आगे तो इतनी जल्दी लग जाती थी, अब आग ही नहीं जलती। अभी अभी प्याजों की बनाई करती हूँ। मैमा अदरक चीनी वाला डब्बा ले आ मेरे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अंडा प्याज हमारा तैयार हो चुका है, अभी बनाती हूँ रोटियाँ तो बैठ के फिर खाते हैं। माशाल्लाह जी आज बेगम साहब माशाल्लाह जी बेगम साहब रोटियाँ बना रही है आग वाले चूल्हे पे, और आटे वाले ड्रमी भी खाली की है क्योंकि आटा भी काफ़ी ख़राब हो रहा था, वो भी अभी दाबड़े च पाया, सही साफ़ किया है, तो साफ करके धुप वगैरह लगाने हैं। गंदम भी धुप लगा रही है क्योंकि सुसरी जी और कीड़ा जहा बन गया सी, तो गोलियाँ वगैरह लिया के रखी ने, क्योंकि गंदम जी काफ़ी महंगी है, रोज़ रोज़ तो लैन नहीं सी होती, बस कोई जुगाड़ वगैरह लगा रहे हैं कि मजीद ज़्यादा ख़राब ना हो। चलो जितनी हो गई है वो तो हो गई है, तो बेगम साहब ने बहुत ज़्यादा काम भी किया, तो मैं तो कहा कि सिलेंडर वाले जो चूल्हा दूसरा गैस वाला वो रोटियां बना ला, कह दी कि नहीं ये ती मैं बना लैनी है, तो हम खाना वगैरह बना रही है, हम बह के रोटी खाने हैं सारे, अपने भैन भरावान शेयर भी करते हैं। चलो आ जाओ मैम बेटी, मेरी बेटी रोटी लेके आवे ना, अज मेरे वास्ते नहीं पकाई रोटी तू, शामी पकानी है तू, तू किस टाइम पकानी है पापा वास्ते, नहीं किस टाइम पकानी है, शाम टाइम के सुबह टाइम, ते कबीर भाई कितने गए नहीं, कबीर ते समीर